बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की तरफ से 15 तारीख को क्या कुछ होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद 15 तारीख को क्या क्या करने वाले हैं वो आज मैं आपको इतने दिन पहले ही बता रहा हूं। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा पिछले दिनों से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद जो भी गतिविधि करे मैं उस पर नजर रखूं। तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो अपडेट सामने आ रही है या भीम आर्मी की तरफ से जो बड़ी अपडेट सामने आई है, और खुद चंद्रशेखर आजाद ने भी एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए जो कुछ बताया वो मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद 15 तारीख को अपनी पार्टी का जो ऐलान करने वाले हैं उस पार्टी का कार्यक्रम है वो दिल्ली के आसपास में होगा, नोएडा या दिल्ली के आसपास होगा। लखनऊ से दिल्ली के बीच में कहीं भी एक सेफ स्थल ढूंढा जा रहा है जहां पर 1500 लोग आ सके, 1000 से 1500 लोगों का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके दौरान आपको बता दें कि एक सभा टाइप का होगा, उसके बाद जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं पार्टी के अंदर उनका नाम एक लिस्ट बनाई जाएगी, मीडिया को प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद मीडिया से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से जो सवाल होंगे मीडिया के उनको सवाल को देंगे, अपनी पार्टी का लोगो और अपनी पार्टी का झंडा और अपनी पार्टी का नाम जो है वो लॉन्च करेंगे। उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी के जो स्थल है वहां पर जाएंगे और उनसे उनको नमन प्रेरणा करेंगे। तो ये चंद्रशेखर आजाद का 15 तारीख को है वो पूरी तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं अपनी पार्टी को लेकर और लगातार अलग अलग राज्यों के अंदर जाकर वो अपने नेताओं से जो अपने कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, स्टेट की इकाइयों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की बातें कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपडेट आ रही है कि भीम आर्मी संगठन है वो एग्जैक्ट बना रहेगा और जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर आरएसएस काम करता है उसी तरीके से भीम आर्मी उस राजनीतिक पार्टी की तरफ काम करेगा। वैसे आपको बता दें कि माननीय साहब काशीराम जी ने भी बहुजन समाज पार्टी के साथ बामसेप का गठन किया था और बामसेप उस समय काफी मजबूत हुआ करता था, उसके बाद ही बीएसपी का उन्होंने गठन किया था। अब भीम आर्मी कितनी मजबूत रहेगी या किस तरीके से कार्य करेगी ये आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि भीम आर्मी यथावत बनी रहेगी, उसके समकक्ष एक राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल की जाएगी।